मामा जो बाप के पहले सच करेंगे वो राजा, पहले नंबर पे एक बच्चे सच करेंगे वो राजा बनेंगे। जो बाप को सच करेंगे बाप को टच करेंगे तो राजा बनेंगे। बाप को टच किया मैंने, बाप को टच किया उस समय बुद्धि दूसरे को टच कर रही हो तो तुम बनेंगे। मुरली में तो है लेकिन मुरली में हद है या बेहद है? बेहद की बात को बेहद की तरह से समझेंगे तो बात दूसरी हो जाती है, नहीं तो बात दूसरी हो जाती है। जो परिवर्तन होने वाली बात है वो परिवर्तन खास याद से बताया है और याद बुद्धि से की जाती है या बाहर से की जाती है? बुद्धि से याद की जाती है। तो बुद्धि रूपी हाथ टच करे वो ज्यादा अच्छा, बाकी इंद्रियां टच करती हैं और इंद्रियों के टच करने से लगाव भी अगर साबित होता है तब बात दूसरी हो जाती है। लगाव दूसरी तरफ लगा हुआ है अटैचमेंट और इंद्रियां अटैच कर रही है तो फायदा होगा या विचार बनेगा? क्या बनेगा है? विचार का दोष बन जाएगा और ही पावर बनने के बदले क्या बन जाएंगे और ही पतित बन जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो समझते हैं कि हमको संग का रंग लगेगा परंतु बजाय संग का रंग लेने के और ही उल्टा हो जाता है। इसलिए यहां ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान माने क्या है? ज्ञान माने समझ। बुद्धि में समझ बैठनी चाहिए। ये बुद्धि में जब तक बात बैठी नहीं है पूरी तरीके से तब तक सरेंडर होने से बाप के घर में जाकर बैठ जाने से भी कोई फायदा नहीं है और ये बाप के घर का वाइब्रेशन क्या करते रहेंगे? खराब करते रहेंगे। जो समझू सयाने हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे, खुद का तो नुकसान करेंगे। इसलिए पतित से पावन होने के लिए सबसे जास्ती जोर देते हैं याद के ऊपर। क्या ऐसे पतित से पावन बनेंगे? जितना तुम मेरे को याद करेंगे उतना तुम पतित से पावन बनोगे। हाँ ये जरूर है। कि हम आंखों से जो कुछ देखते हैं लगाव पूर्वक उसका क्या नियम है? वो याद आता है कि नहीं आता है? न चाहते भी याद आता है या नहीं आता है? याद आता है, आता है। ऐसे और इंद्रियों का भी यही हिसाब है। जो भी लगाव पूर्वक होता है और प्रैक्टिकल में होता है वो याद जरूर आता है। अब देखना है कि जो याद आता है वो ऊंचे ऊंचे पाठधारी है या कोई नंबर वार पाठधारी, क्योंकि ऊंचे ऊंचे जो पाठधारी है वो तो हीरो पाठधारी बनता है हीरा के प्रवेश करने में। जो भक्ति मार्ग में सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग में क्या दिखाया है? हीरा दिखाया है। जो आत्मा सदैव ही चमक मारने वाली है कभी भी अंधेरे में
नहीं आती है। हाँ, जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा भी 5000 वर्ष के चक्र में अंत में अंधेरे में जरूर आती है। अंधेरे में आती है तो तमो प्रधान बनती है, और इतना तमो प्रधान बनती है कि जिसके लिए गायन बताया मुरली में, क्या जो राम बनता है वो रावण भी बनता है। तो अंतिम स्वरूप को तो कोई देखेगा क्या है? अंतिम प्रैक्टिकल स्वरूप को कोई देखेगा? नहीं देखेगा। अभी वर्तमान का जो स्वरूप है वो देखने में आता है। अंतिम जो स्वरूप होगा उसकी संसार में वैल्यू बढ़ जाएगी या वर्तमान के समय ही जैसी वैल्यू रहेगी? हैं? उस समय तो वैल्यू ही बहुत बढ़ जाएगी। अभी कोई चाहे, अभी कोई चाहे कि हम कोहनी हीरे को हाथ में लेकर के देखें तो कोई देखने देता है? नहीं देखने। क्यों? क्यों उसे जरा हीरे की वैल्यू अभी बहुत बड़ी हुई है। वो तो जड़ हीरा है, कैटन हीरा भी जब सारी दुनिया की समझ में आ जाएगा कि दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल हीरा है। तो जो गायन है भारत, कौन सी चिड़िया? सोने की चिड़िया, वो कोई की पकड़ में नहीं आती है। बाबा बुद्धि का कुछ काम है नहीं? हाँ जी, बुद्धि का काम नहीं है। हीरा को याद नहीं करती है, स्टार को याद नहीं करती, एकाग्र नहीं रहती है। सतयुग में बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, हीरा को याद नहीं करेगी। जिसको देखेगी वो हीरा देखेगी नहीं आत्मा को, ये काम नहीं है। सतयुग में बुद्धि सतो प्रधान होगी, सतो प्रधान काम होगा। और कलयुग में बंदरों की बुद्धि कैसी होती है? कुछ और बात पूछना चाहते हैं क्या? बुद्धि कांस्टेंट रहेगी या कुछ विचार? हाँ, काम रहेगा बुद्धि का, लेकिन कांस्टेंट रहेगी, एकाग्र रहेगी। एकाग्र रहना तो बहुत अच्छा काम है बुद्धि का। चंचल होना ये खराब काम है। बुद्धि चंचल होती है तो इंद्रियां भी चंचल होती है। और अमृत वेले कीर्ति का पुरुषार्थ जमा करो। हाँ, तो क्या? तो क्या कैसा पुरुषार्थ जमा करो? कीर्ति का एकाग्रता का पुरुषार्थ करो। एकाग्रता ही प्योरिटी है। एक कौन पहले पहले तो अपन से ज्यादा प्यार होता है। किसी को प्यार होता है तो सबसे जाती किससे प्यार होता है? अपन से ज्यादा प्यार होता है। तो पहले पहले अपने आत्मस्वरूप को याद करो। अब आत्मस्वरूप को याद तो किया, लेकिन याद करते करते पता चला कि हम जितना भी याद करने की कोशिश करते हैं तिरक जाता है। एकाग्रता टहती है, अपने ऊपर एकाग्र नहीं हो पाते। इससे क्या साबित होता है कि जिसके ऊपर हम एकाग्र होना चाहते हैं वो तामसी है या सात्विकी है? काम की है। तो फिर याद करना पड़े कि हमारी आत्मा का बाप कौन है जो सदैव सबका चित्त आनंद है।
वो भी पता लग गया कि हमारी आत्मा ज्योति बिंदु का बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है जो बगैर प्राप्त के है, कभी भी तामसी बनता ही नहीं, चाहे कितनी भी पतित से पतित दुनिया होती जाएगी तो भी बाप सदैव सात के तेज वाला ही है। तो अपन को आत्मा समझ है उस एवर प्योर परम पिता परमात्मा को याद करें, एक को याद करें दो को याद करें अपन को आत्मा समझ, एक बात हो गई अपन को आत्मा समझ परम पिता फिर परमात्मा कितने हो गए दो हो गए तीन हो गए। ये त्रिमूर्ति सदैव ही साथ रहती है, जैसे वो है त्रिमूर्ति सेवक जैसे हम स्वयं भी हमारी त्रिमूर्ति है। अपन को आत्मा समझ इसको याद करें परम पिता जिसका कोई पिता नहीं है, परम आत्मा आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, साकार है कि निराकार है, साकार है। तो उस निराकार को उस साकार में ये याद करें, याद करने वाला अलग, जिसको याद करें वो अलग, और वो जितने आता है वो अलग। शिव बाबा को तो याद करना है, तो याद करने वाला अलग और जिसको याद किया वो अलग, जिसको याद किया वो एक है या दो है, क्या है जिसको याद किया, जिसको याद किया वो एक है या दो है, आत्मा दो है लेकिन शरीर एक है। शिव बाबा को याद करना है तो शिव बाबा शिव है ज्योति बिंदु मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, और बाबा अरे बाबा मुर्दा है या जिंदा है, जिंदा है ना, प्राण है ना उसमें, तो जो जिंदा है उसमें आत्मा भी है और शरीर भी साकार, आत्मा शरीर के साथ है तो साकार है या निराकार, साकार है। तो उस निराकार को उस साकार में याद करना है, जिस साकार को हमने समझ लिया कि दुनिया के मनुष्य मात्र के बीच में सबसे जाति प्योर है, क्या आज से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाला है, एवर लास्टिंग पार्ट धारी है, और आत्मा उनका पार्ट कुछ न कुछ क्या होता है तो कष्ट हो जाता है, और उसका पार्ट जिसमें वो प्रवेश करता है कॉन्स्टेंट मुकर्र रूप से उसका पार्ट एक सेकंड के लिए कट हो सकता है, वरना ऑलराउंड पार्ट भारी है और आत्मा नंबर पार्ट। और ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण वर्ण ऐसे कहा जाता है, तो ब्राह्मण धर्म और वर्ण में क्या अंतर है? वर्ण कहा जाता है रंग को, सत्य सीता द्वापर कलयुग सीढ़ी में जब चार वर्ण दिखाए जाते हैं तो चारों युगों का रंग अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है। सत्व प्रधानता का रंग अलग है, सम प्रधानता का रंग अलग है, सारे रंग इकट्ठे कर दो तो कैसा रंग हो जाता है? काला रंग हो जाता। माने सारे धर्मों की मिक्सर की आ गई तो समझो एकदम भी नहीं चाहिए हो गया, तमो प्रधान हो गया।
ये विष्णु का जो झंडे में विष्णु का रूप दिखाया जाता है, वो झंडे का कपड़ा किस रंग का है? श्वेत रंग का है। शंकर को जो ऊपर का कपड़ा दिखाया जाता है किस रंग का है? केसरी रंग है। केसरी कहते हैं शेर को, जो उसके सर के चारों तरफ बाल होते हैं, कैसे रंग के होते हैं? जैसे केसर घास होती है ना, ऐसे होते हैं, तो उसको कहते हैं केसरी। केसरी माने शेर। जंगल में सारे जंगल का राजा शेर माना जाता है। तो जब काम की दुनिया ये बन जाती है कांटों का जंगल, तो उसमें बड़े से बड़ा शेर बन करके दहाड़ मारने वाला क्या कहा जाता है? शेर कहा जाता है। जैसे कि मुरली में बोला है कि झंडे में भक्ति मार्ग के मनुष्यों ने तो दिखा दिए हैं तीन रंग, जिनमें एक को समझते हैं ब्रह्मा, एक को समझते हैं विष्णु, एक को समझते हैं शंकर। फिर उनकी यादगार दिखा दी है तीन शेर। अशोक की जो लाश दिखाई है उसमें तीन शेर दिखा दिए हैं। समझते हैं कि संसार रूपी कांटों के जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले ये तीन शेर हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो बाबा बताती है गलत बात है, वास्तव में तीन शेर नहीं है। क्या है? एक घोड़ा है, मन रूपी घोड़ा। ब्रह्मा क्या है? मन रूपी घोड़ा। और विष्णु क्या है? बकरी। निर्बल है या बलवान है? निर्बल है। माता है या पिता है? माता है। कलयुग के अंत में दो प्रकार की माताएं हैं दुनिया में। एक है जो नरक का द्वार खोल करके बैठ जाती है, एक है जो भगवान के आने पर स्वर्ग का द्वार खोलती है। स्पेशली स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनती है। परंतु बिचारी बकरी है, क्या है? जिसने भी कान पकड़ लिया, जिसने भी कान में फूंक मारना शुरू कर दिया, कोई भी गुरु हो, बस उसी की बनकी रह जाती। अब शेर कान पकड़ लेगा तो क्या बना देगा? बकरी को भी शेर नहीं बना देगा। भारत की ये परंपरा है कि कन्या तो पवित्र होती है, वो किसी भी वर्ण की हो, अगर उच्च कुल में ब्याह दी जाए, ब्राह्मण वर्ण में उसका संयोग हो जाए, तो कौन से वर्ण की कही जाएगी? ब्राह्मण कही जाएगी। तो ऐसे ही है कि संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहार मारने वाली आत्माएं हैं, जो शेर के रूप में दहाड़ मारती है। उनके फॉलोअर उनको शेर समझते हैं। ब्रह्मा के फॉलोअर किसको शेर समझेंगे? अरे ब्रह्म समाजी किसको शेर समझेंगे? ब्रह्मा को शेर समझते हैं। जो वैष्णव पंथी है वो किसको शेर समझते हैं? विष्णु। उन्होंने विष्णु पुराण बना दिया। विष्णु के फॉलोअर्स ने भक्ति मार्ग में क्या बना दिया? विष्णु की महिमा करने के लिए क्या बनाया है? विष्णु पुराण। ब्रह्मा की महिमा करने वालों ने क्या बनाया? ब्रह्म वैराग्य पुराण। और शिव की महिमा करने वालों ने क्या बनाया? शिव महापुराण। तो जो जिसके फॉलोअर्स होते हैं वो उसी को बड़े से बड़ा समझते हैं और उसी की बात मानते हैं। इसलिए बाबा ने बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा।
क्या दूसरे की बात नहीं मानेंगे। कितना भी जाकर के उनको ज्ञान सुनाओ, अगर कुमारता दर्जे का फॉलोअर होगा जन्म जन्मांतर का तो क्या कहेगा, कुमारता दादी जब मान जाएंगी तो मैं भी मान जाऊंगा। अगर जगदीश का फॉलोअर होगा, आठवें नारायण बनने वाली आत्मा का जो फॉलोअर होगा, मन महर्षि के दयानंद का फॉलोअर होगा तो क्या कहेगा, नहीं जगदीश भाई जब मानेंगे तब मैं भी मान जाऊंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अब कुमार का दादी भी गई और जगदीश भाई भी गए, अब क्या करूं, गुरु जी जिसके अंदर चेहरा सत्यानाश, गुरु मर जाते हैं और चेलों की सत्यानाशी हो जाती, सत्य का नाश होने का मतलब क्या हुआ, जो सत्य सनातन देवी देवता धर्म है उससे नीचे गिर गए, सत्य धर्म में जाने से वंचित तो हो गए, सत्यानाश हो। प्रश्न किसका था, अभी प्रश्न किसका किया था, आपका समाधान हुआ, भगवान भारत में आते हैं, भारत तो माता है, तो फिर क्या भारत तो संस्कृत हमारे सामने है पुरुष रूप में है, पुरुष है भारत, पुरुष है हाँ, क्या तो फिर कहने को तो यहाँ कहा गया है कि भारत में आते हैं, भारत तो माता है, तो भारत में आए, भारत में आए, भारत में आए नहीं आए, भारत माता है उसमें नहीं आए, ये तो कहते ना, आपका कहना है भारत माता में नहीं आए, ऐसा नहीं है, भारत माता में आते हैं तो क्या पिता में नहीं आते क्या, अच्छा आप क्या मानते हैं कि आए कि नहीं आए, आए तो नहीं, तो कौन से सन में आए, कौन से वक्त में आए, तो छत्तीस में आए, छत्तीस में आए भगवान, छत्तीस में आके प्रत्यक्ष में हुआ, तो कहेंगे आए, अरे बच्चा जब आता है तो जन्म लेता है या नहीं लेता है, प्रत्यक्ष का जब भी जन्म होता है ना भगवान का, कोई हर्ज का जन्म तो नहीं है, तो कब आए, माता के रूप से नहीं आए ना, छत्तीस में आए तो आप क्या छत्तीस में मानेंगे क्या, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर ज्ञानियों के लिए छत्तीस में कोई ज्ञानी था जितने पहचान है क्या, जब सेवंतीस में आए तो माता तो, अच्छा आप हमारे छत्तीस में नहीं आए, आप ये समझने लगे कि भगवान छत्तीस में नहीं आया, क्यों, क्योंकि छत्तीस में जो आया वो बुद्धरूपी पेट में आया, आत्मा आती है तो पहले पेट में आती है कि बाहर आती है, पहले पेट में आती है, तो उसको आया ना आया बराबर हूँ, पता नहीं पैदा होगा या नहीं पैदा होगा, बच्ची पैदा होगा या बच्चा पैदा हो, भगवान को कभी बच्ची बनता ही नहीं, तो छत्तीस में नहीं आया ये पक्का हो गया, अब आए अब कौन से सन में, अब आप क्या करें, सेवेंटी सिक्स में आए, तो कुछ सुधार लिया कि सेवेंटी सिक्स में आए, तो सेवेंटी सिक्स में जब बच्चा पैदा होता है तो कोई ये कहेगा कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा, अरे जो भी आएगा जो देखेगा जो सुनेगा वो कहेगा ना कि बच्चा पैदा हुआ, संक्षेत्र में यहाँ बैठे हुए में से किसको पता था कि पैदा हुआ, किसी को कोई है तो बताए, माने भाई कह रहे हैं कि पैदा हुआ, माने इनके कान में किसी ने कहा कि संक्षेत्र में पैदा हुआ, कोई ने कहा था क्या,
ज्ञान के आधार पर ही है ना। हम कह रहे हैं जब बच्चा पैदा होता है तो जो देखेगा जो सुनेगा वो कहेगा या नहीं कहेगा कि बच्चा पैदा हुआ या नहीं हुआ, कहेगा। तो इस रूप में भगवान इस सृष्टि पर पैदा हुआ या ना पैदा है, अभी भी आप भी अनित्य बुद्धि बनते हैं तो ना पैदा है या पैदा है, बनते ही नहीं बनते, तो पैदा हुआ ना पैदा हुआ घड़ी घड़ी मरता है, घड़ी घड़ी जिंदा होता है। अगर कोई बच्चा पैदा हो और अभी अभी पैदा है, आंखें खोल रहे इधर उधर देख रहा है, तो पैदा हुआ ना पैदा हुआ बराबर हो गया ना, पैदा है या ना पैदा है, क्या कहेंगे? पैदा है, पैदा है। माने जब आप अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो ना पैदा, तो ना पैदा हुआ ना, ऐसा तो नहीं है घड़ी घड़ी पैदा हुआ घड़ी घड़ी ना पैदा हुआ, माने नापैद इसलिए है कि बच्चा माँ से ही पैदा होता है। क्या बच्चा किससे पैदा होता है? माँ द्वारा ही पैदा होता है। बच्चा बाप से कभी पैदा होता हुआ किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं। तो भगवान बाप आता है, भगवान बाप इशारा भी देते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम कहते हो हमारा बाप आया हुआ है, तो तुम स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए? स्वर्ग में महसूस करते हो अपने को हमेशा, तो आया हुआ है कि ना आया हुआ है? अरे भगवान के बच्चे हैं, करोड़पति का बच्चा होता है, तो करोड़पति का बच्चा पैसे पैसे के लिए कभी मोहताज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो तुम स्वर्ग के रचयिता के बच्चे हो, भगवान बाप नई दुनिया रचने वाला है, तो तुम नई दुनिया के वासी हो। नई दुनिया में तुमने जन्म लिया है या पुरानी दुनिया में जन्म लिया है? दुखी तो नहीं है? नई दुनिया सुखराम है या सुखराम? सुखराम में हो या सुखराम में? अरे कहाँ हो, कहाँ के वासी हो? पूछते हैं ना, पूछो पहले अपन से पूछो फिर दूसरों से पूछो, सुखराम के वासी हो या सुखराम के वासी हो, कहाँ के वासी हो? अभी कह रहे सुखराम के वासी है, पहला सुखराम के वासी। तो दुखधाम में बाप नहीं प्रत्यक्ष होता है, बाप कब प्रत्यक्ष होता है? बाप असल में जब प्रत्यक्ष होता है तो बाप अपने साथ स्वर्ग की सौगात लाता है, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। तो लास्ट में आने वाली कोई आत्मा ऐसी भी तो होगी कि जिस सेकंड समझेगी उसी सेकंड क्या ब्रह्मा की विष्णु, एक सेकंड भी नहीं लगेगा परिवर्तन कर देंगे, ऐसी परिवर्तन शक्ति होगी उस आत्मा में, ऐसी प्योरिटी की पावर होगी। तो वो भगवान को जन्म देने वाली व्यक्ति कल में माता होगी या पिता होगा? माता ईश्वर का गेट खोलती, माता ही भगवान बाप को कहेंगे, सच्चा सच्चा पहचानती है। दस हरा, दस सिरों को हरण कर लिया, चुरा लिया, चुरा के ले गया। 2500 साल के लिए जो दस सिर हैं, दसियों मत फैलाने वाले हैं, दस प्रकार के अधर्म फैले हुए हैं, जिन सिरों से वो अधर्म निकलते हैं
उन दसों सिरों को हरण कर लेता है। उसकी यादगार में क्या मनाते हैं? दशहरा। दस सिरों को हरण कर लिए। और दशरथ भी बोलते हैं, दशरथ। और जब सिर होंगे तो रथ नहीं होगा क्या? राहु है, है? जिसको सिर होगा उसको धड़ भी होगा, नहीं तो फिर मुर्दा होगा। और बाबा शान नौमी ज्यादा आत्माएं एडवांस में क्यों आती? 96 में ही आती है ज्यादा, उसके बाद ज्यादा नहीं आती है? आते हैं मगर 96 से शुरुआत होती है ज्यादा आने। और 97 में ज्यादा आ गए तो? और अभी ज्यादा आ रही हो तो? अभी से आ रहे हैं मगर 96 से शुरुआत होती है। 95 में नहीं आती? आते हैं। अरे हाँ आगे चलो। क्या टाइम पूरा कर दिया? बाबा चुनाव होता है, है? पुरानी दुनिया में चुनाव होता है, हमें अपना मत किसी को देना है या नहीं देना है? बोलो कौन जवाब देगा? देना है या नहीं देना है? नहीं देना है तो पार्टी वाले तुमको पकड़ेंगे। तुम हमको अगर वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारी दुकान उकान उगड़वा देंगे, तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव में जो जीतते हैं वो अगर किसी से खार खा जाए तो बड़े बड़े जो कारखाने चलाने वाले उनके कारखानों को भी बंद करवा देते हैं। तब क्या करोगे? क्या करना है? अपनी दबी हुई उंगली निकालनी है, ऐसे काम करना है जिससे उनको पता ही न चले कि हमने दिया या नहीं दिया। अगर दिया तो किसको दिया पता चलेगा? ऐसे भी तो हो सकता है। और अगर कोई आते हैं तो कह देने में क्या आ गया? हाँ ठीक है हम आते हैं। वो आपका हाथ पकड़वा के डालेंगे क्या? नहीं। प्रश्न आया है, हमने आपको बहुत बार नीलंगा मधुबन में देखा है परंतु हमें नीलंगा मधुबन में याद नहीं आती है। तुम्हारी याद कंपिल में हिंदी से सुना भक्ति के समय देखा है वो ही याद आता है, ऐसा क्यों है? अच्छा बाबा कहते हैं मैं काजल हूं और तुम सब सजनिया। तो कन्या होती है और कन्या पहली बार जब अपने पति को देखती है तो उस पहली बार की छाप पक्की पड़ती है या बाद की छाप पक्की पड़ती है? पहली बार की पक्की पड़ती है। तो समझ लो आया समझने की नहीं क्या कि आत्मा उस परमात्मा बाप की सजनिया है, पहली बार जहां देखा है और सतो प्रधान स्टेज में देखा है या रजोतम प्रधान स्टेज में देखा है? सतो प्रधान स्टेज में देखा है। तो जो आंखों ने छाप लगाई है वो सतो प्रधान छाप लगाई है या तमो प्रधान? सतो प्रधान छाप लगाई ज्यादा याद रहेगी या तमो प्रधान बिगड़ा हुआ चित्र ज्यादा याद आएगा? कौन सा ज्यादा याद है? सतो प्रधान स्टेज ही याद आएगी।
है? बाबा जब तक यज्ञ में अन्नपूर्णा जगदम्बा रही तब तक बाबा मिनी मधुबन में स्थायी रूप से रहे क्या? उस समय बाबा को दर दर डोलने की दरकार नहीं हुई, लेकिन अब तो कुबेर है, तो कुबेर यज्ञ से बाहर है या यज्ञ के अंदर है? अंदर के अंदर है, दिखाई पड़ता है? स्वाहा करने वाले ब्राह्मणों को दिखाई पड़ रहा है? नहीं। फिर? तो फिर स्वर्ग है वो जो यज्ञ है वो पुरानी दुनिया में होता है या नई दुनिया में होता है? यज्ञ कहाँ होता है? अरे जब आकार पड़ता है, दुकान पड़ता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, तो क्या करते हैं? यज्ञ रहते हैं। तो यज्ञ रचा गया, यज्ञ पुरानी दुनिया में रचा जाता है या नई दुनिया में रचा जाता है? पुरानी दुनिया में रचा जाता है। तो जो पुरानी दुनिया में यज्ञ रचा जा रहा है कुबेर को वहां होना चाहिए या नई दुनिया में देवताओं के साथ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? जो सुख देते हैं उनको क्या कहा जाता है? देवता। और जो दुख देते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहते हैं? दैत्य। देवता और दैत्य। तो 2004-05 से अद्वैतवाणी में बोला है तुम बच्चों के लिए नई दुनिया का फाउंडेशन बाप दादा ने लगा दिया। नई दुनिया में आना जाना करते हो या नहीं करते हो? तो जरूर कुछ आत्माएं हैं जिन्हें नई दुनिया से प्यार है, तो नई दुनिया के फाउंडर से भी प्यार है। जो नई दुनिया के फाउंडर फाउंडेशन लगाने वाले हैं, हर धर्म के पूर्वज है, उन पूर्वजों से भी प्यार है। और उन अष्टदेवों में जो कुबेर है उससे भी प्यार है। तो वो कुबेर पुरानी दुनिया में यज्ञ कुंड के आसपास होगा, यज्ञ कुंड में होगा या नई दुनिया में होगा? यज्ञ कुंड में होगा। नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने में है ना? कहाँ है? पुरानी दुनिया में नहीं कहेंगे, क्योंकि नई दुनिया का भी फाउंडेशन लगता है और पुरानी दुनिया का भी फाउंडेशन लगता है। जब फाउंडेशन लगता है तो पुरानी दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले भी मौजूद होते हैं, और नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है तो नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले भी मौजूद होते हैं। बोला है बाबा जब तक यज्ञ में अन्नपूर्णा रही माने जगदम्बा रही तब तक बाबा मिनी मधुबन में स्थायी रूप से रहे। लेकिन अब तो कुबेर है, लेकिन कुबेर तो मिनी मधुबन में है, नहीं मिनी मधुबन की मिनी मधुबन में मधुबन में मुरली बजती है कि नहीं बजती है? क्या कहने मधुबन में मुरली आबादी? तो जहाँ कुबेर है वहाँ की कोई कैसी देगी? कोई सीढ़ी देगी? देगी जहाँ मुरली आबादी देगी? नहीं। तो कैसे कहते कि मधुबन में कुबेर है? मधुबन में तो कुबेर है नहीं। अच्छा जो कुबेर धन संपत्ति का स्वामी है उसके होते हुए भी
बाबा मुरली में ऐसे क्यों कहते हैं कि चैतन्य भारत अभी बेघर है, बेघर है क्या? क्या है? बेघर है। बेघर किसे कहते हैं? जिसको घरबार न हो, तीन पैर पृथ्वी का ठिकाना न हो, जम के अपने घर में न बैठ सकता हो, न जम के अपने घर में सो सकता हो, कौन है? बेघर। पांडव क्या होते हैं? बेघर होते हैं। उनको तीन पैर पृथ्वी का ठिकाना नहीं मिलता, तो यादगार में दिखाया है कि जब लड़ाई हो रही थी, जिसकी यादगार मंदिर है तिरुपति, कौन कौन के बीच में लड़ाई हो रही थी है? ये वाइब्रेशन की लड़ाई है, उसके किसके बीच में लड़ाई हो रही थी? श्रीदेवी और पद्मावती। पद्मावती माने कमल फूल के ऊपर विराजमान, कीचड़ में रहते कमल फूल समान बुद्धि को एकाग्र रखने वाली, और एक है श्रीदेवी। श्रीदेवी किसका नाम है? लक्ष्मी का नाम है या महाकाली का नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी साफ सुथरे घर में रहती है या कीचड़ में रहती है? साफ सुथरे घर में रहती है। तो दोनों की लड़ाई का वाइब्रेशन जब चल रहा था, उसकी यादगार है कौन सा मंदिर? तिरुपति का मंदिर। और तिरुपति के मंदिर में एक कहानी है कि बालाजी को अपना जीवन चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना घर रक्त बनाने चलाने के लिए किसने उधार दिया था? कुबेर ने उधार दिया था। क्या उधार दिया था? उस समय जो उधार दिया था वो अभी भी हिंदुस्तान में जो सबसे जास्ती धन संपत्ति जिस मंदिर में अभी आती है, मंदिर के देवता के नाम, वो किसके पास जाती है? कुबेर के पास जाती है। भर भर के देना पड़ता है। यादगार कहाँ की है? संगम युग में जो कुबेर है वो कोई स्थूल धन संपत्ति नहीं देता है, और ज्ञान की धन संपत्ति भी देता है कि नहीं देता है? ज्ञान की धन संपत्ति देता है। न लक्ष्मी देती है न कुबेर देता है, ज्ञान की धन संपत्ति कौन देता है? शिव बाबा। और किसको देता है? बच्चों को नहीं देता है, न कुबेर को देता है न लक्ष्मी को देता है। अब लक्ष्मी भी दुनिया को धन देती है, देती किससे? बालाजी से लेती है। लक्ष्मी भी किससे लेती है? बालाजी से लेती है। लेती तो है लेकिन वो धन है, ज्ञान धन भी काम तब आता है जब लक्ष्मी के हाथों से बांटा जाता है। क्या? पवित्र हाथों से बांटा जाएगा तो दुनिया वालों के काम आएगा, अगर अपवित्र हाथों से बांटा जाता है तो दुनिया और धन की वैल्यू ही नहीं करती। करती है वैल्यू? है? अभी कर रही है? 70 साल से वो धन दिया जा रहा है, वैल्यू तो नहीं हो रही। यज्ञ के आज से ही बेसिक नॉलेज तो दी जा रही है ना, चाहे वो प्रजापिता के द्वारा, चाहे वो यज्ञ की आज की जो माता थी रुद्रमाला का मुख्य मंत्र, वो भी पुरुष स्वभाव संस्कार वाला,
उसके द्वारा, और चाहे ब्रह्मा के द्वारा वो भी पुरुष कंठ है, और चाहे संक्षेत्र के बाद बाप प्रत्यक्ष हुआ बाप भी पुरुष कंठ, और चाहे आगे चल के जो आदि माता थी तो अंत में आवेगी या नहीं आवेगी एडवांस पार्टी में, तो फिर उसको महाकाली के द्वारा दिया जाएगा। तो उस समय ये इतने भी रूप हो गए वो स्वभाव संस्कार से पुरुष रूप है या स्त्री रूप है, पुरुष रूप है, वो धन काम में नहीं आता है, देने वाले के भी उतना काम नहीं आता और लेने वालों को भी उतना काम नहीं आता है, तो किसके हाथों से बांटा जाना चाहिए है? लक्ष्मी, लक्ष्मी रुद्रमाला से आती है या चंद्रवंश से आती है? चंद्रवंश से आती है। चंद्रवंश ऊंचा या सूर्यवंश ऊंचा? और सूर्यवंश में जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें कोई मणका प्योरिटी का भी बीज होगा या नहीं होगा? है प्योरिटी का भी बीज है, ऐसी प्योरिटी का बीज है जिसके लिए गाय है क्या? देयर इज प्योरिटी, देयर इज सीड एंड क्राफ्ट प्योरिटी। प्योरिटी में वो ताकत है कि ज्ञान को भी सर्वज्ञ बनाई देती है। रावण इम्प्योर था, क्या था? इम्प्योर था, ज्ञानी था कि नहीं? ज्ञानी था, लेकिन फिर नरक बनाता था कि स्वर्ग बनाता था? नरक का गेट खुलवाता था कि स्वर्ग का गेट खुलवाता था? नरक का गेट खुलवाता। तो पुरुष तन के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाता है वो क्या है? बाबा ने क्या बोला? ज्ञान सुनाना किसके मुख से अच्छा लगता है? कन्या माता को मुख से अच्छा। क्यों क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कन्या माता है गौ है, क्या है? गौ, गौ मन सीधा साधा स्वभाव करता है, वो भी भारत की माता है, भारत की गौ है, विदेशी गौएं नहीं, विदेशी नदियां नहीं, भारत की गौओं की विशेषता है कि जिस फूके से बांध देते हैं सारा जीवन उसी फूके से बंद करके रहती है, विचलित नहीं होती। और विदेशी गौ जीवन में से कितने डायवोर्स देती है और कितनी शादियां करती है, उनके लिए ये गाय नहीं है। तो चाहे रुद्रमाला हो चाहे विजय माला हो, गौएं तो दोनों ही मालाओं में है या नहीं है? हैं? दोनों ही मालाओं में गौएं तो है, लेकिन कुछ विधर्मी है और कुछ स्वधर्मी है। कुछ विदेशी गौएं हैं, जो विदेशी गौएं हैं वो एक फूटे से बंद करके नहीं रहती, संगम युग में भी एक फूटे से उनकी बुद्धि बंद करके नहीं रह सकती, क्या बुद्धि से भी चलायमान होती है और तन से भी चलायमान होती रहती है, इसलिए वो गौए प्योरिटी का निर्वहन नहीं कर सकती। आप मेरी प्यारी दुनिया का फाउंडेशन नहीं चलाया कर सकती। रुद्रमाला के मालकों में एक ऐसी भी अपन नंबर गौ है जो त्रिमूर्ति देवताओं की त्रिमूर्ति चिर संगिनी है, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती उन तीनों के मुकाबले ज्यादा प्योरिटी वाली। तीनों देवियों के मुकाबले जो ज्यादा प्योरिटी वाली है
का नाम शास्त्रों में रखा गया काशी नगरी। कौन सी नगरी? काश्य, अर्थात याद के तेज से भरपूर। और प्योरिटी कैसे आती है? याद में प्योरिटी आती। तो वो प्योरिटी की पावर इस धन भी काम में आने लायक होता है कि नकामा रह जाता है। याद की प्योरिटी से, प्योरिटी की पावर से जो ईश्वरीय ज्ञान धन है वो भी काम में आता है। इसलिए जगदम्बा की शक्ति तो बात और है। उस समय जगदम्बा भी यज्ञ में थी और जगत पिता भी कहाँ था? यज्ञ कुंड में ही था। और अभी जगदम्बा कहो, अन्नपूर्णा कहो, वो यज्ञ में नहीं दिखाई देती है, तन से नहीं दिखाई देती है, लेकिन मन का किसी को पता है? है? मन कहाँ है अन्नपूर्णा का, वो किसी को पता है? नहीं। महाकाली के मस्तक पर इसका चित्र दिखाते हैं, चबूतर का ही चित्र दिखाते हैं। तो मन से वो जगदम्बा अभी भी कमल फूल समान है, बल बाहर की दुनिया के अंदर है, टीचर में है, टीचर में होते हुए मन से एक आगे। इसलिए मनसा की पावर कोई न कोई आत्मा को निमित्त बनाई देती है, इस बात का निमित्त बनाई देती है, है? कि बालाजी का जो परिवार है उसका संचालन होता है। माता के बगैर परिवार की पालना नहीं हो सकती। तो रुद्रमाला में अभी भी एक माता है जिसे कुबेर नाम दिया गया है। क्या? धन संपत्ति का अधिष्ठाता। वो बालाजी को अभी धन दे रहा है। कौन सा धन? क्या धन है? कौन सा धन? प्योरिटी की पावर। इस प्योरिटी की पावर से स्थूल धन हो चाहे बेहद का ईश्वरीय ज्ञान धन हो, दोनों ही कर्तव्य हो जाते हैं। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि जगदम्बा के यज्ञ में न होने के कारण दर दर भटकना पड़ता है। भंडारा किसका है? 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 कि शंकर बाबा, शिव बाबा का भंडारा है। शिव बाबा के भंडारे के लिए क्या कहेंगे? है? शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। ऐसे तो नहीं है कि बालाजी की एक टांग टूट जावे, दोनों टांगे टूट जावे तो भंडारा भरपूर नहीं है, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब ये बात दूसरी है कि वो निमित्त किसी को बनाए देगा। अब वो निमित्त चाहे बालाजी को बनाए, और बालाजी को निमित्त बनाने के लिए गुप्त रूप में चरित्र की पावर देने वाला निमित्त कोई और बना दे, कुबेर कोई बना दे, वो दूसरी बात। जो प्रश्न आया है कि कुबेर जो धन संपत्ति का स्वामी है उसके होते हुए भी बाबा मुनि में से क्यों कहते हैं कि चैतन्य भारत अभी भी बेघर है?
पांडवों को अभी भी तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, ऐसे पैसे पैसे के लिए बेहाल है, है? बेहाल है क्या? है वास्तव में बेहाल? बेहाल तो नहीं है। हाँ, ये खेल ऐसा रचा हुआ है कि तिरंगी की पावर के आधार पर ये यज्ञ चलता है, आज में भी चलता रहा, मध्य में भी चलता रहा और अभी भी तिरंगी की पावर के आधार पर चलता है। दुनिया के सब कार्य किस आधार पर चलते हैं? तिरंगी की पावर। हाँ, अभी वो प्योरिटी की पावर तो उधार मिल रही है, ये अपन ही पैदा की हुई है, है? उधार मिल रही, इसलिए भक्ति मार्ग में ये गायन है। तो कुबेर ने जो धन दिया था वो धन अभी जितना भी मंदिर में आता है वो सब किसको अर्पण करना पड़ता है? कुबेर सूची कहाँ होती है? अरे घरवाला है, धन कमा के लाता है, तो असली घरवाला होगा तो किसको देगा? है? बच्चों को देगा या घरवाली को देगा? घरवाली को देगा। तो कुबेर अभी घरवाली के रूप में काम कर रहा है, है? अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है। बाबा ने मुरली में कहा है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी ही ब्रह्मा का स्वरूप है। माना वेद वाणी ब्रह्मा का स्वरूप, माना ब्रह्मा के मुख से क्या निकला? वेद निकले। वेद माने विद, विद माने जानकारी, जानकारी माने ज्ञान। जो असली जानकारी है कहां से निकली? ब्रह्मा के मुख से। और हैदराबाद की केसरी में कहा है, ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप परमात्मा बाप है। तो भक्ति मार्ग में जिसको वेदवाणी कहा जाता है, यहां जितने भी बैठे हुए हैं उनमें से कोई है जो कहे कि वेदवाणी को हम समझते हैं? क्योंकि वेदवाणी चारों ही वेदों की एक एक ऋचा का कनेक्शन दूसरी ऋचा से नहीं मिलता है। क्या एक ऋचा का कनेक्शन दूसरी ऋचा से अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ता ही नहीं? कहते हैं मुरली के जो महावाक्य हैं, एक पेज के कोई भी महावाक्य को उठा लो और दूसरे पेज के किसी भी महावाक्य से जोड़ना चाहो तो जुड़ेगा नहीं। इससे क्या साबित हुआ कि जैसे वेदवाणी को दुनिया के लोग नहीं समझ सकते हैं, उसी प्रकार जो मुरली की भाषा है, ज्ञान है, उस ज्ञान को कोई भी ब्राह्मण सही रूप से नहीं समझ सकते। या समझ सकते हैं? या समझा है? समझा है? कोई ब्राह्मण ने समझा नहीं? समझा कब समझते हैं? ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप ही परमात्मा बाप है। जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, ज्ञान निकला, उस ज्ञान को समझाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा को ही प्रत्यक्ष होना पड़ता है, तभी उस ज्ञान की वाणी का अर्थ समझ में आता है, तभी परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है और तभी सत्य का रहस्य समझ में आता है।
नहीं तो नहीं समझा जा सकता।